किसको समर्थन दे रहे हैं? समर्थन तो जनता जनार्दन है। वोट किसको? रचना शर्मा। उनकी तुलना में और इतना कोई शिक्षित नहीं है, और जब एक शिक्षित व्यक्ति या कोई औरत समाज से आगे जाएगी तो समाज का भला करेगी, उनको देखकर और भी प्रेरणा लेंगे। राजी हमारे मोहल्ले में राजू खड़ा है, राजू जो उनकी वाइफ है रचना शर्मा, वो खड़ी हुई है। हमारा पूरी तरह से पूरे मोहल्ले का पूरे गांव बस्ती का समर्थन के पास है। राजकुमार जी को दे रहे हैं बिल्कुल, ये इनके बराबर है कौन सके बताओ। गांव में गांव बस्ती में सब पब्लिक खड़ी होती है जी, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका सहयोग हर तरीके से है। पूरे गांव का सहयोग? हाँ जी, पूरे गांव का सहयोग है। तो जो उम्मीदवार खड़ा है वो संदीप खड़ा है, उसकी संदीप की घरवाली पड़ी नहीं है, उसने दूसरे भाई की घरवाली खड़ी कर रखी है, वो हमने कभी शिक्षा के क्षेत्र में अजमा के नहीं देखी। फरीदाबाद वार्ड नंबर 6 से जिला परिषद पद की प्रत्याशी रचना शर्मा के पति राजवीर शर्मा ने बंदड़ा खुर्द गांव की सरदारी के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रत्याशी के पति राजवीर शर्मा ने पूरे गांव बस्ती के बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़कर गांव की सरकारी का समर्थन मांगा। तो वहीं इस बैठक में पहुंचे तमाम गांव के बुजुर्ग सरदारी ने रचना शर्मा और उसके पति को पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद देकर विजयी बनाने की बात कही। किसको समर्थन दे रहे हो गांव से? हम तो जो मतलब दे रही, हमारा तो ये घर है। किसको दे रहे हो भाई? ये राजू राजवीर को। हाँ, आप किसको समर्थन दे रहे हैं? समर्थन तो जनता जनार्दन है। आप भी उसमें आते हैं? हाँ, तो हम भी आप हैं जो पढ़े लिखे हो, जनता आप छांट देगी सब। आपने कोई छांटा अभी तक? अभी देखो जनता, ये आप छांट दे। चलिए वोट तो डालेंगे। हाँ, नाम ड्यूटी आए वैसे राजकुमार के साथ है। अच्छा, राजकुमार के साथ है। हाँ जी जी, राजकुमार के साथ। राजकुमार खड़ी तो रचना है राजकुमार के साथ से काम। हाँ, तो रचना ही सब राजकुमार बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, वोट किसको? रचना शर्मा को। पक्की बात है जी? वजह वो एक शिक्षित है, और जब एक शिक्षित तो और भी कैंडिडेट है, ऐसा बात नहीं, ऐसी बात नहीं कि एक ही कैंडिडेट शिक्षित है। वो बात आपकी सही है, लेकिन उनकी तुलना में और इतना कोई शिक्षित नहीं है, और जब एक शिक्षित व्यक्ति या कोई औरत समाज से आगे जाएगी तो समाज का भला करेगी, उनको देखकर और भी प्रेरणा लेंगे, तो इसलिए हमारा पूरा समर्थन है रचना शर्मा को। राजवीर को जी, आप राजवीर के साथ। गांव से एक और उम्मीदवार खड़ा है, ऐसे में बड़ी समस्या है आपके सामने। हमें कैंडिडेट राजू, हमने एक बात कही राजू के साथ है। चलिए पूरी पंचायत। किसको दे रहे हो? राजू को। आप किसको दे रहे हो जी? राजू के साथ समर्थन है जी। एक और उम्मीदवार खड़ा है गांव से, ऐसे में बड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत है। ऐसा जी, हमारे मोहल्ले में राजू खड़ा है, राजू जो उनकी वाइफ है रचना शर्मा, वो खड़ी हुई है। हमारा पूरी तरह से पूरे मोहल्ले का पूरे गांव बस्ती का समर्थन के पास है। आप किसको समर्थन दे रहे हो? जी राजकुमार जी को दे रहे हैं बिल्कुल। क्या खासियत नजर आती है? ये इनके बराबर है कौन सके बताओ। गांव बस्ती में सब पब्लिक खड़ी होती है जी, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका सहयोग हर तरीके से है। पूरे गांव का सहयोग? हाँ जी, पूरे गांव का सहयोग है। चलिए हाँ जी, आप किसको समर्थन दे रहे हैं? राजू है जी। राजू है, क्यों? पढ़े लिखे हो, स्कूल चला रहा, अच्छा स्कूल चला रहा, इसलिए बढ़िया काम करने वालों। चलिए, आप किसको समर्थन दे रहे हो? राजू को। राजू की बहू दे रहे हैं समर्थन, खूब बढ़िया है भैया। राजू को दे रहे हैं हर चीज से, धनते मनते, बहुत बढ़िया लड़का है। रचना शर्मा को दे रहे हैं, गांव का विकास कराना है, पढ़े लिखे गरीबों को साथ दिया पहले से। आपके गांव के साथ एक बड़ी विडम्बना है कि एक और कैंडिडेट आपके गांव से खड़ा हुआ है। मैंने पढ़ा लिखा है, एक रचना शर्मा ही है। गांव का विकास कराना है, गांव पानी की, गांव में पानी की निकासी नहीं है, नाली सफा नहीं हो रही, लाइट नहीं कहीं कुछ। हाँ, नहीं, हमें 24 घंटे लाइट चाहिए, गांव का विकास कराना है, बच्चे पढ़ा रही है, पढ़ी लिखी है। आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, किसको समर्थन दिया है गांव की ओर से? रचना को दिया है जी। वजह क्या? वजह यही है कि भाई पढ़ी लिखी है, पढ़ा लिखा बच्चा आगे जाके समाज की सेवा कर सकता है। आपके गाँव से एक और उम्मीदवार खड़ा है, गांव के साथ बड़ी विडम्बना। जो उम्मीदवार खड़ा है वो संदीप खड़ा है, उसकी संदीप की घरवाली पड़ी नहीं है, उसने दूसरे भाई की घरवाली खड़ी कर रखी है, वो हमने कभी शिक्षा के क्षेत्र में अजमा के नहीं देखी है जी, हम कैसे उसकी गारंटी ले सकते हैं? कहीं ना कहीं एक बड़ी विडम्बना है शिक्षा के क्षेत्र में कहीं। बाबा
हाँ जी रचना को दे रहे हैं जी। पक्की बात है? पक्की। कहीं ऐसा तो ना पीछे खड़ा है? ना 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 ऐसी बात नहीं। आप भी रचना शर्मा को दे रहे हैं? रचना शर्मा। हाँ जी कहीं ऐसा तो ना बोल जाओगे कहीं? ना ना ऐसा कुछ नहीं है। गड़बड़ को ना गड़बड़ ना गड़बड़ नहीं। ठीक। वहीं प्रत्याशी पति राजवीर शर्मा ने पूरे गांव को आशीर्वाद लेकर इलाके के लोगों से जिला परिषद प्रत्याशी के लिए वोट्स की अपील की। वे राजवीर शर्मा ने बताया कि गांव बस्ती का आशीर्वाद मिल चुका है और इलाके का भी आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा और आने वाले जिला परिषद चुनाव में उनकी धर्मपत्नी की जीत निश्चित होगी। राजवीर जी आज जो पंचायत की है आपने अपने मोहल्ले के लोगों के अपने गाँव के लोगों के साथ किस तरीके का समर्थन जो है गाँव के और मोहल्ले के लोगों के? पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं और आज हमने अपने मोहल्ले की पंचायत की है। पंचायत में सभी घरों से सभी परिवारों के लोग आए हैं और सभी ने तन मन धन से कहा है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं और जहां लेके चलना है वहां साथ चलेंगे, हर तरीका से सहयोग करेंगे। माहौल हम देख रहे हैं आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में गांव-गांव आप पहुंच रहे हैं जी, क्या समस्याएं सामने आ रही हैं गांव की और किस तरीके से जनता को भरोसा आप दिला रहे हैं? भाई मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूं कि भाई क्षेत्र में जा रहे हैं हम, हर घर पर पहुंच रहे हैं। समस्या तो गाँवों में बहुत है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, तालाबों की व्यवस्था बड़ी ख़राब हुई पड़ी है, नाली टूटी पड़ी है, गंदगी भरी पड़ी है, स्कूलों की व्यवस्था बहुत ख़राब है, टीचर नहीं है। दूसरा एजुकेशन पे देख रहे हैं कि बहुत डाउन जा रही है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है नशा, युवा नशे में डूबे हुए हैं और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। हर इंसान का फर्ज बनता है कि भाई अपने बच्चों पर ध्यान दे, अगर बच्चों पर ध्यान देगा ये देश के धरोहर हैं, देश का विकास होगा तभी, तब बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हुक्काओं पे हुक्का बार बनाए बैठे हैं, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, बुरा हाल है। लोगों से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई अपने बच्चों पे नशे से बचा। मैं बड़ी बात है आपने आज पंचायत की अपने गांव के लोगों के साथ, गांव से एक और उम्मीदवार आपका खड़ा हुआ है, उसको लेकर किस तरीके से जो है गांव का समर्थन है, आपको किस तरीके से समर्थन जो है मिल रहा है, क्योंकि बड़ा विषय है। भाई जो ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, हमारे दस दस विषय बोलते दो मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पे, इन सभी चाचा ताऊ भाई ने तन मन धन कि भाई तुम आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं, ये समर्थन दिया है। जहाँ भी चलना है, किसी वक्त भी चलना है, जब आप के होगे हम उस टाइम पे खड़े रहेंगे, पूरा तन मन धन से समर्थन है।